मेरा नाम मुदस्सिर फजल है। मेरा ताल्लुक कुपवारा के इलाका गूस जी से है सभी जो है इट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी ये जो है मुल्क का एक इदारा है, एक ऑटोनॉमस खुद मुख्तार इदारा है जो कि फिनंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट हैं, सिक्योरिटीज हैं, ऐसे जो फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, एक खुद मुख्तार इदारा है। जी तो इसके एग्ज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक है, इस एग्ज़ाम का इसके तीन मरहले थे। इसके एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी स्टेज जो है वो मैंने जम्मू में दिया था। प्रिलिम्स में मेरा दो स्ट्रीम्स में क्लियर हुआ था, लीगल स्ट्रीम में और जनरल स्ट्रीम में। उसके बाद इस एग्ज़ाम का जो मेंस था वो मैंने चंडीगढ़ में दिया था, उसमें उसके बाद जो मेंस जो है मेरा लीगल स्ट्रीम में क्लियर हुआ। और अभी मैं 8 जून को मेरा इंटरव्यू मुंबई में जो सेबी का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे इसका इंटरव्यू दिया, और अभी थोड़ी देर कुछ ही दिन पहले जो है इसका रिजल्ट आया है, फाइनल सिलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी सिलेक्शन थोड़ा हुई बता है। दीजिए इस एग्ज़ाम के बारे में, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का, आपने भी सिविल सर्विसेज दिए हैं, अपने पूरे सफ़र के बारे में बताइए, कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मेरी इब्तदाई तालीम और तरबियत जो है वो घूस में ही काशफुल उलूम पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद 10वीं का इम्तहान मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारे से किया है। 12th मैंने SSM हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर से किया है, और 2016 में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से BA LLB की डिग्री कम्प्लीट की। और उसके बाद मैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने 2016 का KS का एग्ज़ाम दिया था, उसका इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद मैंने KCS जुडिशल का एग्ज़ाम दिया 2018 का, उसके भी इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचा। और UPSC का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। और ये मेरा चौथा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम था जिसके लिए मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ। तो ये मेरा रहा कितनी है। वैकेंसीज थी पूरे? ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, किस जी तरीके का एग्जाम है? जी ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई 140 के आसपास टोटल वैकेंसीज थी अलग अलग स्ट्रीम्स में। और जो लीगल स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम में देर वायर 34 वैकेंसीज, तो लीगल स्ट्रीम में मेरी जो है सिलेक्शन हुई है। तो मुदस्सिर साहब, क्या लगता है आपको, कैसे कुपवारा के एक छोटे से गांव में रहते हुए का आपको कैसे ये आइडिया मिला कि आप सभी का एग्ज़ाम दे देंगे, और ये हिंदुस्तान में कितने पोस्ट थे और कश्मीर के इसमें कितने अभी तक ये गए हैं जो इस जिन्होंने सभी का ये एग्ज़ाम पास किया है? जी यकीनन मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े इदारे का कोई इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे क्लियर करूंगा या कर पाऊंगा। अलबत्ता मेरी मेहनत थी, पहले से ही मेरा एक शौक था, मेरे वालदेन की लगन थी, उनकी भी चाहत थी कि मैं कोई बड़ा एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करूँ। सिविल सर्विसेज के लिए मैं प्रिपेयर कर ही रहा था, तो उसी के दौरान इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे मालूम हुआ कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है, ऐसे भी फिनंशियल इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एग्ज़ाम है मैंने क्लियर किया है। ये कितने बचे थे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया था? जी अभी तक जो मैंने तीनों स्टेट्स दिए हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की थी सोशल मीडिया पे इधर उधर मालूम करने की, तो अभी तक जम्मू कश्मीर से मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ है। तो गालिबन जम्मू कश्मीर से मैं शायद अकेला ही हूँ जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अभी सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई भी कर रहे हैं, फिर वो किसी स्टेज पे से वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, फिर वो डिस्करेज होता है, क्या कहना चाहिए उनको? जी मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे, इससे पहले कि मैं अपनी कामयाबी का तذکرہ करूँ, मैंने अपने उन इम्तिहानात के बारे में बता दिया है कि जिनमें मेरी फाइनली सिलेक्शन नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पहुँच के मैं एक बेहतर पोजीशन में हूँ कि मैं ऐसे लोगों को कोई अपनी राय दे सकूँ कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। मैंने तीन बड़े एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुँचा, लेकिन तीनों में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और अगर मैं किसी एक में सिलेक्शन ना होने के बाद मैं हिम्मत हार जाता, छोड़ देता, तो शायद आज ये कामयाबी मेरे हाथ नहीं आती। मैंने मेहनत अपनी जारी रखी, मेरे वालदेन का हौसला, उनकी हौसला अफजाई मेरे साथ थी, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, मैंने मेहनत जारी रखी, तो आज ये मौका भी मेरे हाथ आया कि मैंने इतना एग्जाम जो है ये मेरी क्लियर सब किया। नौजवानों से ये गुजारिश होगी, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कि वो मेहनत जारी रखें, किसी भी मनफी नतीजे के आने से वो बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि हिम्मत जब तक इंसान नहीं हारता तब तक कोई भी शय उसको हरा नहीं सकती। इंसान की हिम्मत हौसला ही है जो कोई